नमस्कार बच्चों, आज हम कुंवर नारायण की दूसरी कविता बात सीधी थी पर का अध्ययन करेंगे। यह कविता दूसरा कोई दूसरा नहीं संग्रह से ली गई है। कविता में कथ्य और माध्यम के द्वंद को उकेरा है। हर बात को कहने के लिए नियत शब्दावली होती है, जैसे हर पेज के लिए एक निश्चित खांचा होता है, और सही कविता बनना सही बात का सही शब्दों से मेल होना होता है। हर शब्द के पर्यायवाची होते हैं, उनका अपना अर्थ होता है, विशेष अर्थ होते हैं, वे एक दूसरे की जगह काम नहीं आते हैं। जितने सरल शब्दों में बात को कहने की कोशिश की जाए, उतनी सरलता और सहजता से वो पाठक के या श्रोता के पास पहुंच जाती है। तो भाषा की सरलता पर यहाँ बल दिया गया है। आइए अब कविता का अध्ययन करते हैं। अब देखिए लाइन बाय लाइन कविता को देख लेते हैं। बात सीधी थी पर एक बार, कवि कहते हैं कि एक बार बात सीधी थी पर क्या हुआ, एक बार का किस्सा बताते हैं। भाषा के चक्कर में जरा टेढ़ी फंस गई। देखिए बात और भाषा, बात है हमारे मन के विचार, भाव। हमारे मन में कोई भाव आया तो हम उसे कैसे व्यक्त करेंगे, भाषा के माध्यम से। और सही भाषा का इस्तेमाल कर लिया तो बात हमारी सामने वाले तक पहुंच जाएगी। लेकिन भाषा यदि हमने ज्यादा क्लिष्ट इस्तेमाल कर ली या भाषा के चमत्कार के चक्कर में हम पड़ गए तो हमारी सरल बात भी टेढ़ी हो जाती है और भाषा के शब्द जाल में फंस कर रह जाती है, उलझ जाती है। भाषा के चक्कर में जरा टेढ़ी फंस गई, तो कभी क्या कहते हैं कि एक बार सीधी बात थी पर वो भाषा के चक्कर में टेढ़ी फंस गई थी। उसे पाने की कोशिश में भाषा को उल्टा पलटा तोड़ा मरोड़ा। कवि कहते हैं कि उसे पाने की कोशिश में किसे, उस भाव को जो मन का भाव वो अभिव्यक्त करना चाहते थे, उस भाव को पाने के चक्कर में उन्होंने भाषा के साथ खिलवाड़ किया, उसको उल्टा पलटा तोड़ा मरोड़ा घुमाया फिराया कि या तो बात बने, यानी या तो उनकी बात पाठकों तक या दर्शकों तक या श्रोताओं तक पहुंच पाए या फिर भाषा से बाहर आए। लेकिन इससे भाषा के साथ साथ बात और भी पेचीदा होती चली गई। जितना उन्होंने भाषा के साथ खेला, उसको उल्टा पलटा तोड़ा मरोड़ा घुमाया फिराया, उतना ही वो बात और अधिक पेचीदा और अधिक कठिन और दुरूह होती चली गई। सारी मुश्किल को धैर्य से समझे बिना मैं पेच को खोलने के बजाय उसे बेतरह कसता चला जा रहा। कवि कहते हैं कि सारी बात को, सारी परेशानी को मैंने धैर्य से नहीं समझा और बिना समझे ही मैं उस बात को भाषा में इस तरह लपेटने लगा जैसे पेज को कसता चला जा रहा हूँ। पेज को खोलने की बजाय मुझे खोलना चाहिए था, जबकि मैं उसे बुरी तरह से कसता चला जा रहा था, क्योंकि इस करतब पर मुझे साफ सुनाई दे रही थी तमाशबीनों की शाबाशी और वाह। वो कहते हैं कि मैं ऐसा क्यों कर रहा था, क्योंकि इस करतब पर मुझे जो तमाशबीन थे, जो कविता का मतलब नहीं समझते या कविता कवि और कवि के भावों को नहीं समझते, वो सिर्फ शब्द जाल देख करके वाहवाही और शाबाशी देते हैं। तो कवि कहते हैं कि मुझे इस करतब पर ये तालियां और शाबाशी सुनाई दे रही थी, इसीलिए मैं ये करतब करता चला जा रहा था, यानी पेज को खोलने की बजाय उसे बुरी तरह कसता चला जा रहा था, अर्थात अपने भाव को अभिव्यक्त करने के बजाय उसे शब्द जाल में उलझाता जा रहा था। आखिरकार वही हुआ जिसका मुझे डर था। कवि को डर भी था कि ऐसा करने से पता नहीं मेरा भाव अभिव्यक्त हो भी पाएगा या नहीं हो पाएगा, और वो कहते हैं जिस बात का मुझे डर था वही हुआ। जोर जबरदस्ती से बात की चूड़ी मर गई। चूड़ी मर जाना यानी प्रभाव खत्म हो जाना। जैसे कोई पेंच होता है, उसको जरूरत से ज्यादा कसने पर उसकी चूड़ी मर जाती है, फिर उसमें कसाव नहीं रह पाता। तो ठीक वैसे ही कवि कहते हैं कि मैंने भाषा के साथ जोर जबरदस्ती की, जिससे बात की चूड़ी मर गई, यानी भाव समाप्त हो गया, बात में कसाव नहीं रहा और वह भाषा में बेकार घूमने लगी। उनका जो भाव था, जो भावाभिव्यक्ति थी, उसको अभिव्यक्त इसलिए नहीं कर पाए क्योंकि शब्द जाल में और भाषाई जाल में उसने उलझा दिया था। इसलिए वो कहता है कि वो बात, वो भाव उस भाषा में बेकार घूमने लगा। हारकर मैंने उसे कील की तरह उसी जगह ठोंक दिया।
कवि क्या कहते हैं, जब मैं अपना भाव अव्यक्त नहीं कर पाया तो मैंने थक हार कर क्या किया, जो बात जहां थी जितनी मैंने बोली थी उसको उसी जगह छोड़ दिया। पर ऊपर से तो ठीक ठाक, ऊपर से तो शब्दावली जो थी कविता की वो ठीक ठाक दिखाई दे रही थी, पर अंदर से ना तो उसमें कसाव था और ना ही ताकत थी, यानी उसका जो भाव था, उसका जो कथ्य था, वो कहीं उसमें खोकर उलझकर रह गया था, वो श्रोताओं और दर्शकों तक नहीं पहुंचा था। बात ने जो एक शरारती बच्चे की तरह मुझसे खेल रही थी, बात शरारती बच्चा जैसे किसी की पकड़ में नहीं आता है, ऐसे ही बात भी कवि की पकड़ में नहीं आ रही थी, शरारती बच्चे की तरह कवि के साथ खेल रही थी, मुझे पसीना पोंछते देखकर पूछा, यानी कवि परेशान हो रहा था, पसीना पसीना हो रहा था, अपना पसीना पोंछ रहा था, तो शरारती बच्चे की भांति बात ने लेखक कवि से पूछा, क्या तुमने भाषा को सहूलियत से बरतना कभी नहीं सीखा? कि क्या तुमने भाषा को सहूलियत से बरतना नहीं सीखा? यदि सहूलियत से बरतते तो अतिरिक्त मेहनत की जरूरत नहीं होती और अपना भाव आसानी से व्यक्त कर पाते। यहाँ देखिए बात का मानवीकरण किया है, बात को एक शरारती बच्चे की तरह बताया है, तो यहाँ बात का मानवीकरण है। ओके, मेरे ख्याल से समझ में आया होगा अर्थ, नहीं समझ में आया हो तो कमेंट करके बताइएगा। अब देखते हैं कविता के प्रश्नोत्तर। पांचवा प्रश्न देखिए, भाषा को सहूलियत से बरतने से क्या अभिप्राय है? कवि कहता है कि अपनी बात सीधी व सहज रूप से ना कहकर, तोड़ मरोड़ कर या घुमा फिरा कर कहने से बात उलझती चली जाती है। आडंबरपूर्ण अभिव्यक्ति से दूर हटकर भाषा को सहूलियत के साथ प्रयोग करना चाहिए। अतः कवि का मानना है कि बात स्वाभाविक होनी चाहिए ताकि कविता का आस्वादन आम लोग कर सकें, उसे अनावश्यक शब्द जाल में या दुरूह शब्दावली में या क्लिष्ट शब्दावली में नहीं उलझाना चाहिए। प्रश्न 6, बात और भाषा परस्पर जुड़े होते हैं, किंतु कभी कभी भाषा के चक्कर में सीधी बात भी टेढ़ी हो जाती है, कैसे? कवि का मानना है कि बात और भाषा परस्पर संबंधित होते हैं। किसी बात को अभिव्यक्त करने के लिए भाषा को सीधे, सरल और सहज शब्दों में ना कहकर, तोड़ मरोड़ कर, उलट पलट कर, शब्दों को घुमा फिरा कर कहने से बात पेचीदा हो गई। अतः सीधी बात भी टेढ़ी हो जाती है, हमारे कथ्य और भी जटिल हो जाते हैं। अतः कथ्य और भाषा का सही सामंजस्य होना ही बात को सहूलियत से कहना होता है। प्रश्न 7, बात यानी कथ्य के लिए नीचे दी गई विशेषताओं का उचित बिंबों या मुहावरों से मिलान करें। एक तरफ बिंब और मुहावरे दिए हुए हैं, दूसरी तरफ उसकी विशेषता दी हुई है। तो जैसे बात का बन जाना यानी कथ्य और भाषा का सही सामंजस्य बनना, ये तो पहले से ही मिलान किया हुआ है। अब देखिए बात की चूड़ी मरना यानी बात का प्रभावहीन हो जाना, बात का प्रभावहीन हो जाना। दूसरा देखिए, बात की पेच खोलना यानी बात को सहज और स्पष्ट करना। इसके बाद है बात का शरारती बच्चे की तरह खेलना यानी बात का पकड़ में ना आना। और अंतिम है पेच को कील की तरह ठोकना। अब इधर भी एक बच्चा है, इधर भी एक बच्चा है, तो ये हो जाएगा बात में कसावट का ना होना। धन्यवाद, इसमें कठिन शब्द थे नहीं। आपको कहीं कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं।